हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं पीबीजी से रिलेटेड। इसका नाम है त्रिभुवन दास भीमजी जावेरी लिमिटेड। आप यहाँ पर देखोगे तो आज की डेट में ये शेयर ने 360 रुपए का हाईएस्ट एवर लेवल टच किया है। वहां से थोड़ा सा गिर के 1.54% ही गिरता हुआ नजर आया। ठीक है, क्या हमने इस पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड पहले कभी बात करी है? तो उसे भी एक बार देख लेते हैं। तो उसे आप देखोगे तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा कि हमने टीवी से रिलेटेड बातें करी है। तो यहाँ पर देखिए, एक साल पहले 100 रुपए का स्मॉल कैप ज्वेलरी स्टॉक टीबीजी त्रिभुवन दास भीम जी, है ना। तो हमने इससे रिलेटेड क्या करी है, बातें करी है। टारगेट कितने दिए थे, 300 रुपए। तो टारगेट क्या हो चुके हैं, हमारे हिट हो चुके हैं। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए ताकि आपको यहाँ पर पता चल जाए कि जब हम शेयर को देते हैं तो हमें टाइम को देना है, टाइम देना है, और उसके बाद यहाँ पर पैसे अपने आप ही बनते हुए नजर आते हैं। तो इससे रिलेटेड हम बातें करेंगे, एग्जैक्टली क्या करना है, क्यों, क्योंकि 360 का लेवल टच करके चीजें नीचे आती हुई दिखाई दी है। क्या और तेजी बनेगी, क्या यहाँ से गिरेगा, उन सभी चीजों से रिलेटेड बातें करेंगे। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले तो हमारे चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट और नोटिफिकेशन को ऑन करें। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, चीजों को सीखना है। सीखने के लिए बहुत सारी वीडियोज है, नीचे जाओगे एक से बढ़कर एक वीडियो मिलेगी, डेली देखना है। पीछे की वीडियो भी देखिए, शायद आपके लिए कुछ जैम छुपा हो। ठीक है, और अगर सीखना चाहते हैं, सीरियस है स्टॉक मार्केट में, तो हमारा कोर्स है जहाँ पर बेसिक टू एडवांस, टेक्निकल, रिसर्च, फंडामेंटल, कब लेना है, कब बेचना है, क्यों लेना है, क्यों बेचना है, कौन सा शेयर भागेगा, क्यों भागेगा, क्यों किस लिए भागेगा, वो सब चीज से रिलेटेड यहाँ पर हम बातें करते हुए नजर आते हैं। 25,000 रुपए का कोर्स है और 1 जनवरी 2025 से इस कोर्स की कीमत 50,000 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, बस इसलिए हो जाएगी जैसे कि मैंने आपको दिखाया है ना। तो ये तो केवल एक ट्रेलर है, पीछे जाके देखना तो आपको बहुत सारे स्टॉक वीडियोस मिलेंगे। ठीक है ना, सही टाइम पे आप पकड़ पाओगे। ठीक है ना, और इससे बेहतर नॉलेज आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर इंडिया में कोई आपको यहाँ पर दे पाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल सिखाया जाएगा, ना कि यहाँ पर थ्योरी की बातें यहाँ पर की जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए देखिएगा ताकि यहाँ पर समझ में आए। बाकी 8868605018169261037 दोनों नंबर को सेव कर लीजिए। साथ में काम भी करना चाहते हैं, ऐसे शेयर को टाइम पे पकड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो भी आप हमें यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो, साथ में काम कर सकते हो। तो यहाँ पर बात करते हैं आगे टीबीजी की। तो टीबीजी की अगर हम बात करें तो मार्केट कैप देखिए, 2,153 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। स्टॉक पी की बात करें तो 35 का पी है, इंडस्ट्री पी की बात करें तो 40 का है। तो अभी भी सस्ता नजर आता है, बट एज आई ऑलवेज सेड कि यहाँ पर पी के बेस पे ना ही काम करना है, ना तो पी के बेस पे लेना है ना बेचना है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि हाई पी का मतलब ये नहीं है कि शेयर बेकार हो गया है, और लो पी का मतलब ये नहीं है कि शेयर बहुत अच्छा है। ठीक है ना, तो इस चीज को आपको समझना है। आरओसी आरओई खास है नहीं। डेट की बात करें, 102% के आसपास का कंपनी के ऊपर डेट भी है, कोई फ्लैजिंग नहीं है। 360 का हाई लगाया है और 52 वीक लो, जब मैंने ये शेयर को दिया था तब 100 रुपए के आसपास, 93 रुपीज के आसपास यहाँ पर ये शेयर है। ठीक है, हाई की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख पाओगे कि कैसे यहाँ पर इस शेयर ये शेयर भागता हुआ नजर आया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते, यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी के जो नंबर है ना, यहाँ पर कभी ज्यादा कभी कम होते हुए नजर आते हैं। बट जैसे कि अभी गोल्ड के प्राइसेस में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी आई है, उसका इफेक्ट हर एक ज्वेलरी शेयर में आता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, उसका इफेक्ट यहाँ पर भी आया, और यहाँ पर आप देखोगे तो कंपनी अच्छा खासा प्रदर्शन कर रही है। ईयरली क्वार्टरली बेस पे कंपनी के मार्जिन सुधरे, एज वेल एज यहाँ पर कंपनी यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट भी जनरेट करती हुई नजर आई है। ईयरली बेस पे आप देखोगे, ईयरली बेस पे परफॉर्मेंस यहाँ पर फ्लैट है। ठीक है, पर धीरे धीरे वो चीजें चेंज होती हुई नजर आ रही है। रिजर्व्स की बात करें, रिजर्व्स कंपनी के पास अच्छे खासे है। बोरिंग लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो कि आगे चल के कंसर्न का एक विषय हो सकता है। कैश की बात करें, कंपनी के पास यहाँ पर लगभग लगभग 50 करोड़ का कैश भी पड़ा हुआ है। और चीजों की यहाँ पर बात करें तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा, डिविडेंड कंपनी यहाँ पर हर बार डिविडेंड देती हुई नजर आती है, और शेयर अच्छा खासा मूवमेंट करता हुआ नजर ऑलरेडी आ चुका है। 75% तक, 74% की होल्डिंग प्रमोटर्स, FIs ना के बराबर है, DIIs ना के बराबर है। पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो 25% की होल्डिंग है, उसमें भी आप देखें मलाबार गोल्ड के पास 3.52%, है ना, विजय कुमार के पास यहाँ पर लगभग 1.02% की होल्डिंग है। तो अच्छी खासी होल्डिंग यहाँ पर नजर आती है, बाइंग सेलिंग यहाँ पर चलती रहती है, वो आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका समझ में आएगा, कोई यहाँ पर ले रहा है, कोई यहाँ पर बेच रहा है, ट्रेडिंग यहाँ पर चल रही है। अब बात करेंगे चार्ट से लेके, चार्ट क्या कहता हुआ नजर आता है। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है अगेन कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इसमें आपका ही फायदा होगा। ठीक है, हमारे तो सब्सक्राइबर बेस बढ़ेंगे, और 4 साल हो गए शेयर हमारे इस यूट्यूब चैनल को बस यहाँ पर ही पहुंचे हैं, बट स्टिल
इससे बेटर कंटेंट मुझे नहीं लगता कि कोई प्रोवाइड भी करता होगा। ठीक है, बात करें और चीजों की, तो सीखना है तो सीख सकते हैं। यहाँ क्लासेस आपके लिए 1-to-1 चालू है, बाकी यहाँ पर काम करना है तो भी नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप बात करते हैं टीबीजी की, तो सबसे पहली बात तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है। यहाँ पर जो भी बात की जाएगी यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ जो हमें दिखाई देता है उसके बेसिस पे की जाएगी, बट आपको अपनी स्टडी और फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेनी है। जब से ये शेयर को यहाँ पर दिया है हम 90 रुपीज से देते हुए आ रहे हैं, और ये शेयर वहां से लगभग हम बात कर रहे हैं 300% के रिटर्न, ठीक है ना। अगस्त में हमने ये दिया था, अगस्त से यहाँ पर अगर हम बात करें तो लगभग लगभग 300% तक के रिटर्न हमारे साथ जो काम कर रहे हो उन्हें मिल चुका है। अगर मैं बात करूँ तो मैं अभी क्यों वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जब ये शेयर यहाँ पर था ना, तो यहाँ पर हमने अपने मेरे साथ जो भी काम करते हैं मैंने ये शेयर यहाँ पर दिया है, इसलिए जब तक मैंने किसी को दिया हुआ है तब तक मैं यहाँ पर उन चीजों से रिलेटेड यहाँ पर बातें नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ, इसलिए ही नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर पता है अगर यहाँ पर मैं बातें करूंगा ठीक है तो कुछ ना कुछ चीजें मिस कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो मैं मोस्टली कोशिश करता हूँ कि जो मैंने लिया रखा है, जो दे रखा है, वो यहाँ पर प्रेजेंट ना करूँ, और जो यहाँ पर दे रखा है वो तो सबके सामने है ही है। ठीक है, साथ में एक और चीज यही शेयर भी हमने एक और शेयर यहाँ पर ज्वेलरी से रिलेटेड लिया, अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, कुछ दिनों में अच्छा खासा यहाँ पर भागा है। ठीक है, वो भी हमारे पास है, आज इसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमने करी है, थोड़ा सा नीचे आया, अगेन इसमें अपॉर्चुनिटी बनेगी। जानना चाहते हो तो आगे चल के जब वहां पर प्रॉफिट पूरा बुक कर लेंगे तब बातें करेंगे। टीबीसी की हम बात करें चार्ट की, तो चार्ट में क्या नजर आ रहा है, चार्ट में सिंपल नजर आ रहा है कि यहाँ पर तेजी हो चुकी है, और जब अच्छी खासी तेजी हो जाए ना तो आपको क्या करना है, आपको शांति रखनी है, आपको यहाँ पर चीजों को समझना और समझ के ही यहाँ पर काम करना है। देखिए यहाँ पर हाई बन आ चुका है शेयर, हाई बनाने के बाद अच्छा खासा भाग चुका है, तो चढ़ के यहाँ पर लेना नहीं है, और जितने भी लिया है तो उसे थोड़ा सा मेरे ख्याल से पेशेंस रखना चाहिए। अब क्या हो सकता है, चीजें थोड़ी सी गिर के नीचे आ सकती है, 283-280 रुपए तक यहाँ पर चीजें आ सकती है, और शायद और भी नीचे आके 240 तक भी आ सकती है, तो इसलिए जो प्रॉफिट बुकिंग करना भी जरूरी है। बाकी जैसी चीजें ऊपर चलेगी कंपनी और अच्छा यहाँ परफॉर्म करेगी, तो मुझे लगता है कि कंपनी को आगे चल के भी अच्छा खासा परफॉर्म करना चाहिए, तो वो परफॉर्म करेगी तो यहाँ पर जो हमारे टारगेट थे ना वो टारगेट चेंज होते हुए नजर आएंगे। 300 का टारगेट एक आ चुका है, तो शायद ये शेयर आने वाले टाइम में आपको 400-500 रुपए तक भी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, बट फिलहाल की डेट में ये शेयर यहाँ से मुझे लगता है गिरेगा, गिर के कंसोलिडेशन करेगा, 2-3-4 महीने की कंसोलिडेशन वो हो सकती है, फिर एक तेजी होती हुई नजर आएगी अगर मार्केट में भी तेजी होती है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रख के आपको क्या करना है, काम करना है। बाइंग सेलिंग की बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, चीजों को सीखना है, जितना सीखेंगे उतना पैसा बनेगा। और सीखने के लिए क्या है, सीखने के लिए वीडियोस है, आपके सामने कंटेंट है, सीखने के लिए यहाँ पर कोर्स है, और साथ में काम करना है तो वो तो यहाँ पर कर ही सकते हैं आप। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।